मेरे करियर का सबसे डिफिकल्ट भी था और सबसे एक डेंजरस भी था। हमारा जो है मैंने हमने कहीं पे आईसेक्स लगा रखा था, उस आईसेक्स को निकालते हुए गया वो, और हमारा आईसेक्स रोप में कैराबिनर से लगा था, तो आईसेक्स को ना उसने ऐसे करके बैंड किया था। को ऐसा क्यों लगता है कि अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को फॉलो करना इम्पोर्टेंट है लाइफ में? तो हमारे इंडिया में खासकर बचपन से हम लोगों के दिमाग में ये डाल दिया होता है, पेरेंट्स ने, दादा दादियों ने, सब ने ये डाला होता है, तेरे को तो इंजीनियर ही बनना है, तेरे को तो डॉक्टर ही बनना है। मैक्सिमम लोगों तक जो है ये बात पहुँचे कि भाई कैसे हम लोग अपने पेड़ पौधों को, जंगल को बचा सकते हैं, इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, ग्लेशियर को बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, लवराज धर्मशक्तु सर। लवराज सर बहुत बड़े इंडियन माउंटेनियर हैं, एक पद्मश्री अवार्ड विनर हैं और 7 बार माउंट एवरेस्ट इन्होंने क्लाइम किया है। सबसे पहले तो मैं द सर्चिंग सोल्स की तरफ से स्वागत करना चाहूँगा सर का, कि इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला। और बाकी जो सर की कहानी है वो सर के ही शब्दों में सुनते हैं। सर, तो जो मेरा पहला आपसे सवाल है वो ये है कि जो ये आपकी माउंटेनियरिंग जर्नी है, ये कहाँ से और कैसे स्टार्ट हुई? हम लोग एक उत्तराखंड से पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, बोना करके एक गांव है, और बहुत रिमोट गांव है। आज भी उस गांव में बिजली नहीं है, रोड नहीं है और मोबाइल का कम्युनिकेशन साधन नहीं है। तो यदि आज ऐसा है तो आज से 35-40 साल पहले क्या रहा होगा, आप सोच सकते हैं। तब तो हम 35 किलोमीटर पैदल चलते थे, और पंचुली बिल्कुल हमारे सामने ही था, दिखता था हमेशा। तो बचपन बिल्कुल पंचुली के नीचे हमारा गुजरा और वहीं पर हम बड़े हुए। जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे पता लगा कि इस फील्ड में भी कोई काम है, माउंटेनियरिंग भी कुछ होता है, इसके भी कुछ कोर्सेज होते हैं। ये दिमाग में आया और फिर यहीं से जो है एक जर्नी शुरू हुई कि कोर्स करें और फिर इसी फील्ड में हम आगे कुछ करें। तो ये एक मेन था कि पहाड़ में रहने के कारण जो है इसका एक बेनिफिट भी था, क्योंकि ऑलरेडी हम पहाड़ में थे तो बहुत सारे चीज़ें जो हैं गॉड गिफ्टेड हो जाते हैं। कुछ चीज़ें लंग से है, जैसे वो ऑलरेडी जो है फिजिकली हम लोग फिट हो जाते हैं। तो सर, जो ये एवरेस्ट है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है और लोगों का सपना होता है इसे सबमिट करना, और आपने एक बार नहीं, आपने 7 बार इस पीक को सबमिट किया, तो कैसे आपने अपने को मोटिवेटेड रखा और क्या मोटिवेशन था आपका बार बार एवरेस्ट को सबमिट करने का? मेरा एक्चुअल में स्टार्टिंग में सभी का रहता है, क्या वो खिलाड़ी है, क्या वो माउंटेनियर है या स्कीयर है, जो भी है, हर खेल में हर कोई चाहता है कि मैं टॉप लेवल में पहुँचूँ। क्या वो ओलंपिक कोई खिलाड़ी है तो वो सोचता है कि मैं ओलंपिक में खेलूं, और वे खेलूं तो फिर वहाँ गोल्ड मेडल लाऊं। ये एक हर किसी का सपना होता है। तो ऐसी एक माउंटेनियर का भी सपना होता है कि भाई मैं एवरेस्ट में चढ़ूं और उसके टॉप तक पहुंचूं। तो पहले तो मेरा भी यही था। जब मेरे को पहला चांस मिला 1998 में, टाटा एवरेस्ट एक्सपीडिशन था, टाटा स्पॉन्सर एक्सपीडिशन था वो, बॉम्बे की टीम थी, उनके साथ मुझे जाने का मौका मिला। तो तब तो ये था कि मैंने भी एवरेस्ट करना है, वही था एक ड्रीम जो होता है वो था। जब मैं वो 1998 में जब मैं एवरेस्ट करके आया नॉर्थ साइड से, चाइना साइड से, उसके बाद फिर मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता लगी एडवेंचर के बारे में। पहले से भी मैं काफ़ी 7000 के पीक कर चुका था, और नेहरू इंस्टीट्यूट में टेम्प्रेरी इंस्ट्रक्टर भी रहा, और OSG था एक, उसमें भी इंस्ट्रक्टर रहा। तो तब मेरे को थोड़ा सा प्रकृति के नज़दीक जाने का मौका मिला, और उसको एक दिल में ये आया कि भाई मेरे को इसको करीब से और करीब से देखना चाहिए और इसके बारे में कुछ नई चीज़ें करनी चाहिए। इस एरिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं, जिस एरिया में भी आप जाते हैं उस एरिया के जो नज़दीक के गांव हैं, लास्ट गांव हैं, उन एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें करके। तो एवरेस्ट में भी यही था मेरा, एवरेस्ट में बार बार जाने का। बहुत सारे लोग पूछते हैं, यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आप भाई बार बार क्यों गए, क्यों गए, क्यों जाते हैं।
इस टाइप से। तो मैंने यही बोला था उनको कि भाई बहुत सारे थीम लेके गया, हर हर टाइम में एक नए नए थीम लेके गया, फर्स्ट ईयर को छोड़ के हर साल में एक नए थीम लेके गया। और हमने गार्बेज पे, इन्वायरमेंट पे काम किया, वहाँ पे गार्बेज ह्यूमन वेस्टेज उठाए, वहाँ से डेड बॉडीज उठाए, और वहाँ के जो लोग थे, विलेजेस के लोग थे, उनसे हमने मेडिकल के बारे में उनसे उनसे उनको जानकारियाँ दी, और सैनिटाइजेशन के बारे में उनको जानकारियाँ दी। एवरेस्ट वाले रूट में नेपाल साइड से भी गए, तो हमने बहुत सारे कैंप लगाए, मेडिसिन कैंप लगाए, मेडिकल कैंप लगाए। और बिफोर लास्ट ईयर 2018 में तो वहाँ के एफएम में भी आया था हम लोगों अच्छा का। हमने रिमोट गांव में जो है, जहाँ हॉस्पिटल था लेकिन दवाइयाँ नहीं थी, उस एरिया में हमने काम दवाइयाँ किया पहुँचाया, रिमोट। और वीपी के इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो इंस्ट्रूमेंट थे, वो इंस्ट्रूमेंट वहाँ पहुँचाया हमने, जो वहाँ पे अवेलेबल थे। एवरेस्ट का रूट में तो बहुत सारे ट्रैकर जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, तो उस एरिया में तो काफ़ी दवाई जनरल हवाएं मिल जाती दवाइयाँ है भी मिल आपकी, जाती हैं। लेकिन जो रिमोट एरिया में आपको नहीं मिलते। एवरेस्ट के रूट से 5-7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दाएं बाएं यदि आप जाएंगे, तो वहाँ आज भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो वहाँ पे हमने ये चीज़ें बांटी दिया, तो कहीं ना कहीं लोगों को इसका फ़ायदा हुआ, लोगों ने इसको समझा, हमारे डॉक्टरों ने बताया, हमारे मेम्बरों ने बताया, और गार्बेज कलेक्शन का भी था। 2009 से मैं ये गार्बेज कलेक्शन का काम करता हूँ, क्या वो कंचनजंगा में गया था, क्या एवरेस्ट में गए थे, और भी ट्रैक में गए थे हम लोग नेपाल साइड में, जहाँ भी गए। तो यही ये चीज़ें, इसलिए मैं अलग अलग रूट से, अलग अलग टाइम में, अलग अलग रूट अलग से अलग अलग और गया। और अभी हम शेरपाओं में भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे शेरपाओं के साथ काम कर रहे हैं कि भाई शेरपा इतना फिट होता है, आप कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो हर शेरपा जो है मल्टी टैलेंटेड नहीं होता है, हर आदमी मल्टी टैलेंटेड नहीं होता है। मल्टी टैलेंटेड होते हैं वो तो सर्वाइव कर जाते हैं आगे, कंपटीशन बहुत है, एक कंपटीशन एज बहुत के है, बाद जो है आपका फिजिकल डाउन होते रहता फिजिकल है, डाउन होते रहते हैं। तो नए नए लोग आते रहते हैं, तो आपके लिए रोज़गार का साधन कम हो जाता है। तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ अभी कि भाई क्यों एज कम हो रहा है इनका। तो मुझे जो मैंने जो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा था ये था, तो मैंने ये चीज़ें नेपाल टूरिज्म को, नेपाल गवर्नमेंट को भी बोला था, तो उन्होंने काफ़ी इस पर अप्रिशिएट किया था। मैंने कहा इनको ऑनरेरियम कुछ मिलना चाहिए शेरपाओं को एक एज के बाद, ज़्यादा भी नहीं तो जो अचीवर हैं उनको इस टाइप से कुछ मिलना चाहिए। जैसे अंकिता शेरपा था, अभी कुछ ही 2 हफ्ते पहले एक्सपायर हुए, तो उनका रिकॉर्ड था कि वो 10 बार जो है विदाउट ऑक्सीजन, उस ज़माने में एवरेज गेज, जब इक्विपमेंट भी बहुत भारी होता भारी था, होता था। ऑक्सीजन सिलेंडर भी बहुत भारी होते थे। तो ये है, तो अच्छा लगता है लोगों से वो करने में। तो सर, जैसे आपने बहुत सारी पीक्स क्लाइंब करी है, तो आपकी आज तक की सबसे डिफिकल्ट पीक या सबसे डिफिकल्ट क्लाइंब आपका कौन सा रहा है? यदि मैं कहूँ, मैं ईस्ट ईस्ट रिज में गया था, एवरेस्ट का ही जो कंगसुंग फेस के बिल्कुल सामने है, ईस्ट रिज बिल्कुल एवरेस्ट के टॉप से उसका रिज बनता है, तो वो अनक्लाइम फेस है आज भी, अनक्लाइम्ड आज भी। आज भी अनक्लाइम है। वो मेरे कैरियर का सबसे डिफिकल्ट भी था और सबसे डेंजरस भी था। अच्छा कोई भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन हम अवलांश के अगल बगल में नहीं होते थे। लक हमारा ये था कि हम इस सीरीज में होते थे, उस गली में अवलांश आ रहा होता अच्छा था या अगले गली में आ रहा होता था, इतने बड़े बड़े आते थे, यदि उसमें कोई चपेट में आ जाए तो बहुत ही मुश्किल है। एक आइस एक्स हमारा जो है, मैंने हमने कहीं पे आइस एक्स लगा रखा था, उस आइस एक्स को निकालते हुए गया वो, और हमारा आइस एक्स रोप में कैराबिनर से लगा था, तो आइस एक्स को ना उसने ऐसे करके बैंड किया था, जैसे कि मशीन से बैंड करते हैं अच्छा ना, पूरा बैंड किया ऐसे था, 2 दिन बैंड किया था उसने। एक बैंड तो हो जाएगा ना, हो पर जाएगा आइस एक्स वैसे भी करना बड़ा मुश्किल है आइस आइस एक्स एक्स को, तो वैसे ही मुश्किल है। तो उसको 2 बैंड कर रखा था, एक यूं एक ऐसा कर रखा था उसने, अच्छा तो कितना फोर्स रहा होगा उस बहुत एवलांच ज़्यादा में ना, होगा। बहुत ही बड़ा, जितने ऊपर से वो आया उतना ही इधर से उठा हो, पहले जमीन से गया वो डाउन में, फिर उतना ही उठा हो, और ऐसा लग रहा था जैसे कि ना कोई बड़ा सा धुएं का गुब्बारा ऐसे आ रहा होगा, तो इतने बड़े बड़े एवलांच थे। तो जिस दिन हम सुबह मूव करते थे रूट ओपन खोलने, रास्ता खोलने के लिए या फिर रोड फेरी के लिए, तो वापस सेफली आएंगे नहीं आएंगे किसी को विश्वास नहीं होता था, किसी को नहीं होता था कि मैं आज शाम को आ पाऊँगा नहीं पाऊँगा, तो इतना चैलेंजिंग था वो। और हम लोग हाईस्ट पॉइंट तक पहुँचे, 7,700 मीटर के आसपास पहुँचे,
तो उसके बाद फिर वो स्पॉन्सर नहीं मिल पाया, तो फिर आज फिर कुछ टीमें गई थी उसमें, अमेरिकन और जापानीज टीमें गई थी, पर पर नहीं वो हुआ वहाँ तक भी नहीं पहुँचे जहाँ तक हम लोग पहुँचे थे। वो एक बहुत डिफिकल्ट रहा होगा, डिफिकल्ट था, और मेरा ड्रीम है कि आने वाले टाइम में यदि अपॉर्चुनिटी मिलेगा जरूर तो मिलेगा सर, जरूर मिलेगा। उसमें हम वो भी एक आशा ड्रीम करते हैं सर कि होगा, आपको मिले। तो वो ऐसे पिक करने का, ऐसे उस ऐसे फेस से करने का, उसका चाम ही अलग है। सर जैसे आपने अभी बोला कि इस फील्ड में या इस इंडस्ट्री में बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं, तो अभी हम लोग जैसे ट्रैक पे भी जाते हैं तो पेरेंट्स को कन्विंस करना इतना मुश्किल होता है, नेटवर्क नहीं होता, तो आप अपनी फैमिली को, जैसे आप अपने पेरेंट्स को बोलें या अभी आपकी फैमिली है, आप उन्हें कैसे आप कन्विंस करते हो इन सब चीज़ों के लिए? मैंने कोई बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी अपने आप को करने की कोशिश नहीं की। मैं मेरा रिलेटिव है, मेरे सिस्टर हैं, चार सिस्टर है, और हम लोग तीन भाई हैं, चार बहनें हैं, और उनके बच्चे अच्छे लगा के, फैमिली बड़ी है हमारी, और काफ़ी बड़ा वो है कुटुंब कहेंगे। तो बहुत सारे लोगों को मेरे फैमिली में अभी भी ये पता नहीं हो गया लवराज सिंह ने 7 बार एवरेस्ट किया और शायद ही किसी ने मेरे एवरेस्ट के कोई मूवी या फोटोग्राफ देखा होगा। और दूसरा ये है कि मेरी जो वाइफ है, धर्मपत्नी है, वो खुद एक माउंटेनियर है, तो मेरे साथ जब हम लोग यंग एज में थे, क्लाइंबिंग कर रहे थे, तो बहुत सारे लड़के थे जो मेरे साथ क्लाइंबिंग करते थे, लड़कियां थी, बहुत अच्छे क्लाइंबर थे जो अच्छा कर सकते थे। इवन मेरा खुद का अपना भाई बहुत अच्छा कर सकता था, अच्छा बड़ा भाई, उन्होंने मुझे इस फील्ड में भी वो किया, इंट्रोड्यूस कराया। तो उनके साथ भी वही था कि आफ्टर मैरिज बहुत सारे लोगों ने, उनकी फैमिली ने बोला फैमिली नहीं ने भाई आप मना तो, कर आप नहीं दिया होगा। जाओगे, शादी हो गई, नहीं जाएंगे। पर मेरे साथ यह था कि मेरी वाइफ खुद फर्स्ट इंडियन है जिसने साउथ पोल साउथ पोल, 900 हाँ किलोमीटर मैंने स्की करके गई, मैंने पढ़ा है मैंने सुना है। और खुद माउंटेनियर है, बहुत सारे पीक्स उन्होंने किए, तो उनको पता है और मुझे भी पता है कि वे क्या क्या फेस करना पड़ता है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज है, तो एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग इजीली हो जाता है। पर अदरवाइज काफ़ी मुश्किल है अपने पेरेंट्स तो को, अपने कन्विंस, और सर रिलेटिव को स्पेशली जो कन्वेंस नॉन करना, माउंटेनियरिंग बैकग्राउंड से बिल्कुल हैं, बहुत मुश्किल है। आए दिन पेपरों में, न्यूज़ में आता है कि कई चीज़ें होती, रिस्क है ज़रूर, लेकिन कैलकुलेट रिस्क लेके आदमी, कैलकुलेट यदि आप काम करते हैं और अपना फिजिकल फिजिकल फिटनेस को देखते हुए आप काम करते हैं, और जो ट्रेनिंग आप लेते हैं उसको प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आप यदि स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, सेफ है, ओवर कॉन्फिडेंस आप मत होइए, मत होइए, कैलकुलेटेड और कैलकुलेट रिस्क वो बहुत रिस्क ज़रूरी है। सर। तो सर जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बहुत लोगों का सपना होता है अपनी ड्रीम्स को फॉलो करना, मगर नहीं कर पाते हैं, सबके अपने अपने रीजंस होते हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को फॉलो करना इम्पोर्टेंट है लाइफ में? तो हमारे इंडिया में खासकर बचपन से ही हम लोगों के दिमाग में ये डाल दिया होता है, पेरेंट्स ने, दादा दादियों ने, सब ने ये डाला होता है, तेरे को तो इंजीनियर ही बनना है, तेरे को तो डॉक्टर ही बनना है ना, तेरे को तो यही करना है, मतलब पहले से ही वही चीज़ बोल देते हैं। और कई लोग ये भी बोलते हैं, देखो फलाने का बेटे को देखा तूने, वो जो डॉक्टर बन गया, वो इंजीनियर। हमें भी बोला था जब हम बचपन में थे, तो कुछ लोगों का नाम लेके बोला था कि भाई फलाना देखो डॉक्टर बन गया, फलाना इंजीनियर बन गया, बेटा हो तो ऐसा, बेटी हो तो ऐसा हो, इस टाइप से लोगों ने बोला था, उस टाइम हमें भी बोला था। पर आज भी वही है, आज भी हम लोग वही फोकस करते हैं, एजुकेशन भी हमारा उसी ओर जाता है कि भाई इसको डॉक्टर ही बनाना है, इसको इंजीनियर ही बनाना है। और क्लास 10th से ही हम लोग अपने माँ बाप से फीडबैक, टीचर्स या स्कूल वाले ले लेते हैं कि भाई आपने अपने लड़के को किस फील्ड में डालना है, मेडिकल फील्ड में डालना है, इंजीनियरिंग फील्ड में डालना, वहीं से हाई स्कूल से ही उसका एजुकेशन उस फील्ड की तैयारी में हो जाता है, तो उसके दिमाग में वही तो वही हो जाता है, और इनसिक्योरिटी और उसके फीलिंग उसके अंदर में घुस जाता है वो, तो वो उसी उस फील्ड में यदि वो नहीं कर पाता है, तो हर कोई तो नहीं कर पाता, क्योंकि सीटें बहुत कम है, अप्लाई करने वाले लाखों में हैं, तो कुछ ही लोग हैं निकलने वाले, तो फिर वो डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, और किसी भी चीज़ को करने में उनको डर लग सकता है। तो हमें अपने पेरेंट्स को खासकर, और एजुकेशन सिस्टम को भी हमें थोड़ा चेंज करना चाहिए, और ख़ासकर पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर ऐसे बर्डन नहीं डालना चाहिए, किसी के जी साथ उसको कंपैरिजन नहीं कंपैरिजन कराना नहीं करना चाहिए। चाहिए, सही दूसरा यह है कि मैं कहूँगा कि एडवेंचर
आप इसको कंटिन्यू मत करें, लेकिन कोर्स जरूर कराइए आप, माउंटेनियरिंग या फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स में, विंटर स्पोर्ट्स में स्कीइंग होता है, पैराग्लाइडिंग होता है, माउंटेनियरिंग, बहुत सारे चीज़ें हैं, स्कूबा ड्राइविंग है, बहुत कुछ सीखने, बहुत चीज़ें सीखने का, कुछ ना कुछ आप अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए। और ये चीज़ें क्या है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स से क्या है कि आपको स्ट्रांग बनाता है, आपका विल पावर, आपका मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग बनाता है, फिर आपको कोई भी चीज़ फेस करने में इजी लगता है। तो ये आज के लड़कों बच्चों पे बहुत ज़रूरी है, और माँ बाप को बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से उसको एजुकेशन दे कि भाई वो अपने खुद अपने स्वेच्छा से अपना जॉब चुने, अपना कैरियर बनाए। तो सर ये तो हम सब जानते हैं कि एडवेंचर से काफ़ी लर्निंग मिलती है और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है अपनी पर्सनैलिटी पर, आपकी क्या की लर्निंग्स रही, या मैं कहना चाहूँगा कि आपका जो सक्सेस मंत्रा है वो क्या है, जो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा हमारे साथ चलती हैं, तो वो कुछ चीज़ें क्या हैं जो हमेशा से आपके साथ रही हैं? चीज़ें यह था कि मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था, और बचपन हमारी बहुत फाइनेंशियली अच्छे नहीं थे, तो बहुत अच्छा नहीं गुजरा, पर मैंने अपना मेहनत नहीं छोड़ा किसी भी फील्ड में, क्या वो पढ़ाई में है, वहाँ पे भी अपने टाइम पे पढ़ाई में भी, अपना एजुकेशन में भी टाइम दिया, और यहाँ एडवेंचर में भी टाइम दिया, और यहाँ से भी अपना अर्निंग का साधन बनाया। तो ये चीज़ें मैंने छोड़ी। दूसरा फिजिकल, क्योंकि फिजिकल आपका बहुत ज़रूरी है, तो कंटिन्यू मैं कई बार मन करता है कि भाई नहीं आज लेट से उठूँगा सुबह, ना अक्सर होता है खासकर यंग एज में, तो 5 बजे उठने का मतलब बड़ा मुश्किल काम है, है ना। तो हम लोग 4-4:30 बजे उठ जाते थे, अपना फिजिकल वर्क करते थे, उसके बाद होमवर्क भी करते थे, अपना जो पढ़ाई लिखाई का, स्कूल भी जाते थे, खाना भी बनाते थे, क्योंकि पेरेंट्स तो दूर रहते थे, हम लोग कमरा लेके रहते थे छोटे से मकान में, उस टाइम लकड़ी जलाते, लकड़ी लेने भी जाते थे नदी किनारे में ढूंढने के लिए, जो नदी में बह के आते थे वो लकड़ी लेके आते थे जलाने के लिए, तो सब कुछ करते थे हम लोग। मेहनत करनी ज़रूरी है, जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं, क्या वो आप किसी जिस फील्ड को भी चुनते हैं, आप फुटबॉल को चुनते हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल, या फिर एडवेंचर फील्ड में किसी भी राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग, जिसमें भी आप जाना चाहते हैं, इसमें एक अच्छा माउंटेनियर बनने के लिए, एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए, क्या एक अच्छा आदमी बनने के लिए आपको मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है, और वो कंटिन्यू करनी पड़ेगी आपको, ये चलता ही रहेगा, ये आपका जब तक आखिरी दम तक जो है ये आप करते रहेंगे, तो आपको नई नई चीज़ों को फेस करने को मिलेगा। सर तो हर किसी का एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है और एक प्रेरणा स्रोत होता है, आपकी लाइफ में वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या रहा है, या कौन रहा है, वो कोई इंसान भी हो सकता है? सबसे ज़्यादा तो ये मानो कि जो पहले के क्लाइंबर्स थे, जैसे ये था अपना मैशनर था, रिनॉल्ड मैशनर, उससे पहले अपना जॉर्ज मैलोरी जो 1954 में 24 में जो है जो एवरेस्ट में एक्सपायर हुए, तो उस ज़माने में कैसे उन्होंने रास्ता ढूंढा होगा, और कैसे उस टाइम इक्विपमेंट इतना अच्छा नहीं था, और उस एल्टीट्यूड तक वो लोग पहुँचे। और रिनॉल्ड मैशनर एक ऐसा क्लाइंबर है जिसने विदाउट ऑक्सीजन मैक्सिमम 8,000 मीटर पीक किए, सोलो उसने क्लाइंब किया, अकेले जाके उसने क्लाइंबिंग किया, मैं काठमांडू में भी उससे मिला था। ये लोग हैं जो बहुत अच्छे क्लाइंबर है, इन्वायरमेंट में बहुत सारे लोग हैं जो मेरे वो हैं कि उनके कदमों पे मैं चलना चाहूँगा खासकर। सर आज का लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको मौका दिया जाए कि आप दुनिया में कुछ बदलना चाहते हैं, तो वो क्या एक चीज़ होगी जो आपको अगर पावर हो सब कुछ बदलने की, तो वो एक चीज़ क्या होगी जो आप एकदम तुरंत बदलना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि इन्वायरमेंट को जो है साफ रखने में मैक्सिमम लोगों तक जो है ये बात पहुँचे कि भाई कैसे हम लोग अपने पेड़ पौधों को, जंगल को बचा सकते हैं, इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, ग्लेशियर को बचा सकते हैं, और गंदगी कम से कम करें। ये चीज़ें आज खासकर इंडिया में या बहुत ज़रूरी है कि हमें जो है इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा जो है फोकस करने की ज़रूरत है, और इस चीज़ को मैं बदलना चाहूँगा कि लोग जो है टॉफ़ी भी खाए तो उसका रैपर अपने जेब में रखे, और उसको प्रॉपर डस्टबिन में डाले, और कुछ एनजीओज हैं या फिर गवर्नमेंट है उसको प्रॉपर रिसाइकिलिंग करें, तो ये प्रकृति जो है अपने आप ही जो है सुंदर लगेगा, और
मुनस्यारी की बात कहूँ तो हर हिल स्टेशन में मैंने बोला था, काफ़ी सालों से मैं बोल रहा हूँ, जितने भी हिल स्टेशन है, आप नैनीताल जाते हैं उससे पहले क्या आता है, कचरा वाला एरिया आता है, अल्मोड़ा जाते हैं उससे पहले आता है, पिथौरागढ़ जाते हैं उससे पहले आता है, जितने भी हिल स्टेशन है उससे पहले हमें ये सुनने को मिलता है, ये देखने को मिलता है, धुआं उड़ा हुआ रहता है, बदबू आ ही रही होती है। तो इस चीज़ों में, इन एरिया में जो है टूरिस्ट काफ़ी आने लगे हैं अभी, डोमेस्टिक टूरिस्ट काफ़ी आ रहे हैं, तो हमारे गवर्नमेंट को या कुछ एनजीओ को या कुछ कॉरपोरेट कंपनियों को इस पे पहल करने की ज़रूरत है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, मैंने हमें इतना टाइम दिया, और हम आशा करते हैं कि जो वो आपका एक वो डिफ़िकल्ट वाला सबमिट रह गया है वो आप जल्दी करें, थैंक यू, और उसके बाद हम आपका एक बार और इंटरव्यू लें। जरूर जरूर जरूर।